मंगलवार को पर्यटन नगरी कसौली की हेरिटेज मार्केट स्थित 15 नंबर दुकान में बने एक रेस्टोरेंट के किचन में करीब 5:30 बजे आग भड़क उठी। इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गनीमत रही उस समय अंदर कोई मौजूद नहीं था, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। समय रहते कसौली ब्रिगेड के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई, जिससे आग बढ़ने से बचा लिया गया। नायक पंकज, हवलदार AK शुक्ला और हवलदार श्याम सिंह ने आग पर काबू पाने तथा एक बड़े हादसे को टालने में सराहनीय योगदान दिया। बता दें, हेरिटेज मार्केट के साथ स्थित सेना के मैदान में सेना के जवान PT कर रहे थे, तो उन्होंने बाजार में एक दुकान से धुआं उठता देखा। उसके बाद उन्होंने दुकान के किचन से सिलेंडर व अन्य सामान को बाहर निकाला और काफी हद तक दुकान को जलने से बचा लिया गया। सेना के जवानों द्वारा आग लगने की सूचना मिलने पर छावनी की फायर गाड़ी भी मौके पर पहुंची और आग बुझाने में अपना योगदान दिया। जो अचानक आग लगी थी, उसमें क्या है, अंदर से दुकान से ही बाहर से दोनों तरफ से आग फैली हुई थी। तो जो सिलेंडर के बर्नर वगैरह है ना, वो उनमें पाइपों में आग लगी हुई थी, जिससे कोई जगह नहीं थी, अंदर से ताला हुआ लगा था। तो साइड से दुकान को पीछे से काट के उन सिलेंडर को, जलते हुए सिलेंडर को बाहर निकाला गया। आपको कैसे पता लगा था सर कि आग लगी है? अचानक वो बाहर से PT ग्राउंड में देख रहे थे ना, तो दूर से ही उसके धुएं की थोड़ी शकल सी दिख रही थी। सर, मौके पे कितने लोग थे वहाँ पर? मौके तो 40-50 आदमी थे अपने बटालियन के, सभी बंदे मेरे। आज सुबह जो आपके किचन में आग लगी है, इसका क्या कारण थे? कारण तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, और बाकी अभी चल रहा, देख रहे हैं अभी क्या वजह हुई, क्या वजह रही आग लगने की। और लेकिन समय रहते पता लग गया, और हमारी आर्मी के जवानों ने बहुत मेहनत करी है, बड़े अच्छे से उन्होंने सारा हैंडल किया। 30-40 जवान आर्मी के आगे थे, उन्होंने समय रहते आग पे काबू पा लिया, जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हाँ, नुकसान हमारा बहुत हुआ है, उसका अब देखते हैं कैसे होगा। कितने तक का नुकसान हुआ? 8-10 लाख का नुकसान है। किचन टोटल ख़त्म हो गई है, और क्रॉकरी सारी ख़त्म हो गई है, तो कुछ भी नहीं बचा किचन में। नॉट इवन सिंगल थिंग किचन में कुछ नहीं बचा, सब आग की वजह से राख हो चुका है। सेना के जवानों ने मौके पर आके एक बड़ी दुर्घटना से बचा लिया, उनको मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ इंडियन आर्मी को, उन्होंने बहुत मेहनत की। एक जवान के बल्कि हाथ पे चोट भी लगी है, बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, उनकी वजह से एक बड़ी घटना होने से बच गई। आज के हादसे से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि इसकी सिक्योरिटी मेजर सब लोग लें अच्छे से, और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे हमने तो रखे हुए भी थे हर दुकान में हों, अच्छा है, प्रिकॉशन लेकर रहेंगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये हेरिटेज मार्केट है, पुरानी मार्केट है, और इसके बाद जो है अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो सबके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब प्रिकॉशन लें, हम भी ले रहे हैं और ज़्यादा ले रहे हैं बाकी के लिए। दिव्य हिमाचल TV के लिए कसौली से नितिन साहू की रिपोर्ट। हिमाचल के चप्पे चप्पे में ऐसी मधुर आवाजें बसती हैं जो यहाँ की प्रकृति की देन है, लेकिन कुछ और आवाजें भी हैं जो हमारी लापरवाही की देन है, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर जरा सी गलती जिंदगी भर का सबक बन जाती है। इसीलिए ओवर स्पीडिंग, टर्न्स पर ओवरटेक, लाउड म्यूजिक अवॉइड करें एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। यातायात के नियमों का पालन करें, हमारी एक गलती से जिंदगियां तबाह हो सकती हैं। रोड सेफ्टी सेल, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।